हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टीमर के बेनिफिट्स के बारे में, और दूसरी तरफ है हमारे पास ये नेबुलाइजर। तो दोनों के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि ये किस किस कंडीशन में आपको यूज़ करना चाहिए और ये किस किस कंडीशन में यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, इनका मोस्टली यूज कोल्ड के लिए होता है, यानी सर्दी खांसी जुकाम के लिए होता है। तो पूरा मैं वीडियो में डिटेल में बताऊँगा कि अगर आपको ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसका क्या प्राइस है, इसका क्या प्राइस है। तो दोस्तों, वीडियो का एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ हमारे पास ये स्टीमर और दूसरी तरफ हमारे पास ये नेबुलाइजर। तो सबसे पहले इसका बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है, आपकी बंद नाक, यानी आपको जुकाम है तो इसमें ये तुरंत रिलीफ देगा, आपकी बंद नाक खोल देगा। दूसरा बेनिफिट इसका ये है, अगर आपका गला ख़राब है तो उसमें भी ये रिलीफ देगा, क्योंकि अगर आप गर्म भाप लेते हो तो इससे आपका गला मॉइस्चराइज हो जाएगा और आपके गले में भी ये रिलीफ देगा। तीसरा बेनिफिट, आपके चेस्ट में कंजेशन है तो उसमें भी ये रिलीफ देगा। चौथे बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो अगर आप इसकी वाफ कुछ इस तरीके से लेते हो तो जो वाफ आपके फेस पे लगेगी उससे आपका चेहरा ग्लो करेगा, क्योंकि इससे आपका चेहरा मॉइस्चराइज हो जाएगा, फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और जो फेस पे डेड स्किन सेल्स हैं वो हट जाती हैं। तो इसके चार मेजर बेनिफिट्स हैं। अब बात करें इसके नुकसान की, तो इसका नुकसान दोस्तों मेरे को तो अब तक कोई भी नहीं लगा, क्योंकि ये सिंपल पानी की वाप है, तो इसका कोई भी नुकसान मुझे आज तक नज़र नहीं आया। मैं 1.5-2 साल से इसे यूज़ कर रहा हूँ, जब भी मेरे को खांसी जुकाम होती है, और मुझे 1-2 दिन में इससे रिलीफ मिल जाता है। तो दोस्तों, ये 200-250 रुपये का आता है, और कोई भी इसके ब्रांड स्पेसिफिक ब्रांड नहीं आती। तो आपके आसपास की कोई लोकल शॉप हो, मेडिकल शॉप, उससे आप जाके इसे ले सकते हो। इसके साथ 1.5 मीटर लंबी वायर आती है, इसे कनेक्ट करके हमें वाफ लेनी होती है। तो आपको 5-7 मिनट इसकी वाफ लेनी होती है, और दिन में 2-3 बार आप इसकी वाफ ले सकते हो। अब बात करें नेबुलाइजर के बारे में, तो दोस्तों नेबुलाइजर कुछ इस तरीके का आता है, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसका मेजर बेनिफिट यही है, ये आपको डॉक्टर एडवाइस करता है जब आपकी चेस्ट में ज़्यादा कंजेशन हो जाता है, या ना तो आपकी जुकाम में रिलीफ करेगा, ना आपके गला ख़राब है तो उसमें रिलीफ करेगा, बल्कि ये उल्टा करेगा। अगर आपकी चेस्ट में कंजेशन है, तो दोस्तों मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरी चेस्ट में कंजेशन था तो मैंने इसका यूज़ किया, तो इससे मेरा गला और जुकाम दोनों चीज़ हो गई। मेरे सिर्फ चेस्ट में कंजेशन था और जुकाम और गला दोनों बैठ गए मेरे इससे। तो दोस्तों, ये मैंने 1400 रुपये का लिया था, इन्फीनेव कंपनी का है, और इसका MRP है 1800 रुपये। तो ये डॉक्टर ने एडवाइज़ किया था, तो मैं भी आपको सलाह दूंगा कि अगर आप नेबुलाइजर यूज़ कर रहे हो तो डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें, क्योंकि इसमें मेडिसिन डलती हैं, जो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा वही मेडिसिन आपको यूज़ करनी होती है। अगर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो तो आप इसके हैबिचुअल भी हो सकते हो। तो दोस्तों, यही कुछ इनका कंपैरिजन था। इसके फ़ायदे 4 हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। इसके फ़ायदा बहुत कम है और नुकसान भी है इसके कहीं ना कहीं। तो दोस्तों, आप खुद डिसाइड करो आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ये एक तरह से वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और ये बार बार आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें दवाइयाँ डलती हैं जो आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा, और वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो दोस्तों, यही था कुछ आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।